दोस्तों एसी रिलेटेड 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा इन टर्म्स ऑफ करंट बिल और एसी का लाइफ। चलिए शुरू करते वीडियो विदाउट डिले। बिफोर दैट डू सब चैनल एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनमें से पहला पॉइंट है आप खरीदे इन्वर्टर एसी। नॉर्म एसी से बदले आप इन्वर्टर एसी खरीदे तो आपको कम खर्चा आएगा करंट बिल पर, क्योंकि इन्वर्टर एसी पर करंट कम लेता है एज कम्पेयर टू नॉर्म एसी। कारण है इन्वर्टर एसी पर जब आपका रूम का गर्मी पड़ता है तो उसे ठंडा करने के लिए इन्वर्टर एसी पर उसका मोटर को कंप्रेसर को बार बार स्टार्ट होने की जरूरत नहीं है, मगर नॉर्मल एसी पर इसे बार बार स्टार्ट किया जाता है जिसके कारण ज़्यादा करंट नॉर्मल एसी लेता है। कोई भी मोटर हो, कार का मोटर हो या वाटर मोटर हो या एसी का मोटर हो, इन सब पर स्टार्टिंग पर जो करंट लगता है वो 30% एक्स्ट्रा होता है जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा नॉर्म एसी पर। मगर इन्वर्टर एसी पर ऐसे नहीं होता, ऑलरेडी ये ऑन रहता है इसका कंप्रेसर जिसके कारण इसे बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बचत होती है आपका करंट का बिल। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट, अगर आपको बजट है तो आप खरीदे इन्वर्टर एसी या डबल इन्वर्टर एसी एज कम्पेयर टू नॉर्म एसी। अगर आप नॉर्म एसी खरीदते हैं तो 5-स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदे नॉर्म एसी पर, उस पर भी अच्छा खासा बजट हो जाता है। दोस्तों मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खरीदा था एलजी का डबल इन्वर्टर एसी। अभी भी एसी ऑन है इस रूम के अंदर, मैं यूज़ करता हूँ 10 से 12 घंटा एक दिन पर। मेरे एक्सपीरियंस से कम ये लेता है 3-4 यूनिट्स पर डे। पर डे मतलब एक दिन पर 10 से 12 घंटा यूज़ करना। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल लाने के लिए आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर आपको सेट करना चाहिए एसी का टेम्परेचर 25 या 26 या 27, रात को है तो 28 भी काफ़ी होगा। ये जो टेम्परेचर सेट करने के बाद आप अपना सीलिंग फैन ऑन कर दीजिए आपका रूम का, ताकि ठंडी हवा रोटेट करते रहे आपका रूम के अंदर। ऐसे करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं सेट करता हूँ 26 या 27 पर और सीलिंग फैन भी ऑन कर देता हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 आवर पर डे यूज करने के बाद एसी का पावर कंसम्पशन आता है 3-4 यूनिट्स ओनली। ऐसे इसलिए कि ये जो टेम्परेचर है 26 या 27 डिग्री सेल्सियस आपका एसी आसानी से अचीव कर पाएगा। अगर आपका रूम क्लोज्ड है, फुली क्लोज्ड है, एयर टाइट है, तो डेफिनेटली ये जो टेम्परेचर रिटेन भी करेगा ज़्यादा टाइम के लिए, ताकि आपका एसी कम वर्क कर सके। आप देख पाओगे आपका एसी का इंडिकेटर, कूलिंग इंडिकेटर कभी ना कभी ऑफ रहता होगा ये जो रीजन के कारण। तो यहाँ पर पॉइंट है आपका रूम फुली एयर टाइट होना चाहिए, कोई ना कोई एयर होल होगा आपका रूम पर, वो सब स्पॉन्ज यूज करके आप क्लोज कर पाओगे। इसके साथ ही साथ 26 या 27 डिग्री आपका एसी पर सेट करके एक सीलिंग फैन चला दीजिए, इतना स्टेप काफी होगा अच्छी तरह से एसी वर्क करने के लिए, एफिशिएंटली इकोनॉमिकली एसी ऑपरेट करने के लिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप एसी खरीदते हो तो आप खरीदे उसके साथ ही साथ एक स्टेबलाइजर, एक अच्छा खासा ब्रांड का ही स्टेबलाइजर खरीदे विथ फ्यूज्ड अटैच्ड। इससे क्या होगा कि जब आपका एसी का मदरबोर्ड जाता है तो उस पर खर्चा एटलीस्ट 8000 या 10000 होता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए बेहतर होगा आप इन्वेस्ट करें एक अच्छा खासा स्टेबलाइजर पर, जो आपका पावर सप्लाई रेगुलेट करेगा, एसी का जो पावर सप्लाई रेगुलेट करेगा। ध्यान भी रखें कुछ कुछ कंपनियां एडवर्टाइज करते हैं उसका एसी पर स्टेबलाइजर नहीं चाहिए, ऐसे एडवर्टाइज करता है, फिर भी आपका सेफ्टी के लिए एक स्टेबलाइजर लगा दे, इससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा खासा ब्रांड का स्टेबलाइजर चाहिए ही। यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना चाहिए जो कनेक्शन आपने अपने मेन से डायरेक्टली लिया है आपका एसी के लिए, उस पर एक एमसीबी या फ्यूज सिस्टम चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा करंट आता है तो वो कट ऑफ हो जाए, इसलिए एमसीबी या फ्यूज सिस्टम लगाए। दोस्तों आपका जो एसी है उसे आपका जो नॉर्मल सर्किट है घर का, उस पर कभी भी आप प्लग इन न करें और यूज न करें, वहां से यूज न करें। इससे क्या होगा कि जब कभी भी कोई अदर डिवाइस एक्टिव होता है तो करंट यूज करता है तो आपका एसी पर करंट कम आएगा,
जिसके कारण आपका एसी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इससे बचने के लिए आपका मेन से डायरेक्टली एक कनेक्शन, पावर कनेक्शन लाए आपका एसी के लिए, सिर्फ आपका एसी के लिए, और वहां पर एमसीबी और फ्यूज सिस्टम रखे। ये जो पावर कनेक्शन पर आपका एसी अटैच करे ताकि कंप्लीट आपका करंट अवेलेबल हो एसी के लिए। इससे आपको फायदा ही होगा, एसी का जो मदरबोर्ड के लिए जो सफिशिएंट करंट चाहिए वो अवेलेबल होगा, ऑलरेडी अवेलेबल होगा। कोई अदर डिवाइसेस का एक्टिविटी इस पर असर नहीं होगा, जिसके कारण आपका एसी का लाइफ भी बढ़ेगा। अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका घर का अर्थिंग अच्छी तरह से अवेलेबल है, पॉइंटेड है, आपको कंफर्म करना चाहिए, उसी के बाद ही अपन एसी ऑपरेट करे, नहीं तो आपका एसी के लिए खतरा है, मदरबोर्ड के लिए खतरा है। इसलिए आप अपने घर का अर्थिंग ठीक करने के बाद ही एसी ऑपरेट करे। अर्थिंग प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं इसे चेक करने के लिए आपका घर का जो प्लग सॉकेट पर जो थर्ड पिन है उस पर एक टेस्टर डाल के चेक कर दीजिए। अगर आपका टेस्टर लाइट अप होता है तो आपका घर का अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं शॉर्ट है आपका सर्किट के अंदर। इसलिए पहले ही ये जो अर्थिंग को आप ठीक कर दीजिए, उसी के बाद ही एसी उस पर अटैच करें। अर्थिंग प्रॉपरली नहीं किया तो आपका घर का जो डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कि ग्राइंडर, मिक्सी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गीजर। गीजर एक ऐसी पॉइंट है जहां पर शॉक लगने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है और इतनी खतरनाक है क्योंकि गीजर बाथरूम के अंदर होता है। इसलिए आप अपना घर का अर्थिंग प्रॉपरली करवाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कुछ भी हो सकता है अगर आप अर्थिंग प्रॉपरली नहीं किया तो। हाँ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अच्छी तरह से बचेगा अगर आप प्रॉपरली अर्थ किया तो। अर्थिंग के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका एसी का पीरियोडिक सर्विस प्रॉपरली करे, नहीं तो आपका एसी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा पावर, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाएगा। इसलिए पीरियडिक सर्विस और गैस सही तरीके से अवेलेबल है या नहीं ये भी चेक करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कूलिंग कम आता है आपका एसी पर तो आपका एसी का गैस कम है, उसे रिफिल करना भी पड़ेगा। दोस्तों, पीरियडिक सर्विस अपने एसी का करें ताकि अपना एसी एफिशिएंटली वर्क कर पाए, जिससे आपका करंट बिल भी रिड्यूस होगा। जब कभी भी आप सर्विसिंग करवाते हैं तो ध्यान पर रखें आप अपने कंपनी से ही सर्विसिंग करवाएं। इससे एडवांटेज है, आपका वारंटी वॉइड नहीं होगा, अगर कुछ भी इश्यूज होता है तो वो रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वारंटी के अंदर है। अगर आप बाहर से सर्विसिंग करवाते हैं तो यहाँ पर चांसेस कम है, आपका वारंटी क्लेम करने का चांसेस बहुत ही कम है। इसे ध्यान पर रखें, आप सर्विसिंग करवाते हैं तो ऑथराइज डीलर से ही सर्विसिंग करवाइए। तो दोस्तों, इतना पॉइंट आप ध्यान पर रखिए। अगर आप यूज़ करते हैं एसी या खरीदना चाहते हैं एसी तो ये जो 8 पॉइंट आपको बहुत ही यूजफुल होगा। विद दैट सेड, आई एम वाइंडिंग दिस एपिसोड। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।